हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर स्लाइम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो किन स्टेप्स के साथ हमने ये अप्लाई किया है चलिए देखते हैं। स्लाइम टेक्स्ट इफेक्ट के लिए मैं स्लाइम बैकग्राउंड का ये वाला इमेज यूज कर रहा हूँ। इस तरह के स्लाइम बैकग्राउंड आप डिफरेंट साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेम इमेज प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इस इमेज को ओपन कर लीजिए। इसके बाद हम यहां से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। यहां आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए, आप जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं। मैं जो इस वक्त फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो श्लोप के नाम से है, श्लोप रेगुलर के नाम से। आप सेम फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह के और भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ये भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। अब इसका साइज़ आप यहां पे रख लीजिए, मैं फ़िलहाल इसका 800 के आसपास रखूंगा। आप अपने मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा रखेंगे तो उसकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन सेम रिजल्ट्स के लिए जो कि मैं इस वक्त अप्लाई करूँगा, आप अगर 800 के आसपास रखेंगे तो आप सेम रिजल्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए और इसका हम कलर बाद में भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ क्लिक करेंगे और आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे टेक्स्ट ही टाइप करूँगा, TEXT, और आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको यूँ सेंट्रलाइज कर लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसका टेक्स्ट पैनल भी ओपन कर सकते हैं, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज कर दूँ, इसके लिए ये देखिए मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू आगे की तरफ लेके जाऊँगा, ऑलमोस्ट ये ज़्यादा हो गई, ये मैं 50 के आसपास रखूँगा और एंटर कर देंगे। हमें यहाँ इसका कलर भी चेंज करना है, इसके लिए आप इस वाले कलर पिकर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं। सेम वैल्यू आप दीजिएगा, 7 to 8, 7 to 6। इस ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। फिलहाल के लिए अब हम इस टेक्स्ट पैनल को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल जे प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसकी एक और कॉपी बना लीजिए। जो टॉप वाली कॉपी है इसकी फिल को हम यहाँ से ज़ीरो करेंगे, ये देखिए इसको मैं ड्रैग करके भी कर सकता हूँ या आप डायरेक्टली यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ज़ीरो प्रेस कर दीजिए, इसकी फिल को हम ज़ीरो कर देंगे। इसके बाद आप इस वाली लेयर की तीन और कॉपीज़ बनाएंगे जिसकी फिल हमने ज़ीरो की थी। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिए 3 दफ़ा और इसकी 3 और कॉपीज़ बना लीजिए। इस तरह 4 कॉपीज़ बनाने के बाद और 5वीं कॉपी जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारा जिसकी फिल हमने ज़ीरो नहीं की थी, 100% फिल के साथ है, आप 4 ऊपर वाली लेयर्स को फ़िलहाल के लिए हाइड कर दीजिए और जो नीचे वाली लेयर है जिसकी फिल हमने 100% ही रखी हुई थी, इसकी फिल हमने कम नहीं की थी, इसकी इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे बेवल एंड एम्बॉस और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखेंगे, टेक्निक में आप स्मूथ रखिएगा। डेप्थ को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 130% कर देंगे। डायरेक्शन को हम अप रखेंगे। साइज़ को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 45 पिक्सल्स रखूँगा। सॉफ्टन को भी हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ हम 10 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ नीचे यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ से चेंज करेंगे, -120 करेंगे। और इसके एल्टीट्यूड को भी हम चेंज करेंगे, यहाँ 60 डिग्री रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ग्लास कॉन्टूअर के इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कॉन इन्वर्टेड, ये थर्ड वाला। अगर आपके आइकन्स के साथ ये नाम नहीं आ रहे हो तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से स्मॉल इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नाम भी साथ आने लगेंगे। कॉन इन्वर्टेड को सिलेक्ट कर लीजिए। हाईलाइट मोड में हम लीनियर लाइट इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे और इसके कलर पिकर पर क्लिक करने के बाद आप ये वाली वैल्यू दे दीजिए, CCB89C, और यहाँ से ओके कर दीजिए। और इसकी ओपेसिटी को भी हम यहां से इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहां इसको 50% कर देता हूं। शेडो मोड में आप इसका ब्लेंडिंग मोड कलर बन रखेंगे और इसके कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद आप ये वाली वैल्यू दीजिएगा 37462C और यहां से ओके कर दीजिए।
इसकी ओपेसिटी को भी हम 50% करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे कॉन्टूअर। कॉन्टूअर को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी रेंज को हम कम करेंगे, यहाँ 50% कर देंगे। कॉन्टूअर की वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। ब्लेंडिंग मोड आप इसका नॉर्मल रखिएगा। ओपेसिटी को मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा, मैं 100% करूँगा। नॉइज़ हम यहाँ 0 रखेंगे। कलर पिकर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू दीजिएगा D5FFB0 और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद टेक्निक में आप प्रीवियस रखेंगे, सोर्स में आप सेंटर रखेंगे, चौक को आप 0 रखिएगा। साइज़ इसका थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, मैं 150 पिक्सल्स कर दूंगा। कॉन्टूअर के इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीनियर फर्स्ट वाला सेलेक्ट रखिएगा। रेंज को हम इसकी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, 50% रख देंगे। इनर ग्लो की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट करने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखेंगे, ओपेसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 100% कर देंगे। ग्रेडियंट की इस बार पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट वाले स्लाइडर का कलर हम चेंज करेंगे। आप यहाँ पर ग्रेश कलर रखेंगे, यानी D7 3 times टाइप कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। राइट वाले स्लाइडर को हम यहाँ पे वाइट कलर रखेंगे, आप क्लिक कीजिए और यहाँ से वाइट चूज़ कर लीजिए और इसको भी आप ओके कर दीजिए। इसके बाद स्टाइल में आप लीनियर रखेंगे, आपका ये रिवर्स अनचेक्ड होना चाहिए, लाइन विद लेयर जो है आपका चेक्ड होना चाहिए। इसके एंगल को भी हम चेंज करेंगे, 90 degrees कर देंगे। इसके स्केल को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 100% कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। आउटर ग्लो की भी कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हम इनको देखेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड हम मल्टीप्लाई रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को भी मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, 75% कर दूंगा। नॉइज़ हम यहाँ 0 रखेंगे। कलर पिकर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये वाला कलर चूज़ कर लीजिए, 00651 और ओके कर दीजिए। एलिमेंट्स में आप यहाँ टेक्निक में आप सॉफ्टवेयर रखिएगा। स्प्रेड को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, 50% कर देंगे और साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, 40 pixels कर देंगे। कॉन्टूअर के इस ड्रॉपडाउन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ इसकी रेंज को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, 75% कर देंगे और जिटर को हम 0 रखेंगे। लास्ट स्टेप में हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप शेडो और ड्रॉप शेडो की भी कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ हम इनको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड भी आप मल्टीप्लाई रखिएगा और कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद इसका कलर आप ये वाला रख दीजिएगा, 2944400 और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को आप इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 100% करेंगे। यहाँ भी आप यूज़ ग्लोबल लाइट को अनचेक रखिएगा। एंगल को हम 90 degrees रखेंगे। डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 75 pixels कर देंगे। स्प्रेड आपका 0 होना चाहिए। साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 30 pixels कर देंगे। इस बार कॉन्टूअर पर क्लिक करेंगे और फिर से लीनियर सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद इसके जो दो स्मार्ट फिल्टर हैं, जो कि ड्रॉप शेडो और आउटर ग्लो, इन दोनों को हम हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद हम इस लेयर को कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आप जूम आउट कर लीजिए, आपको यहाँ प्रीव्यू भी दिखेगा। यहाँ पर आर्टिस्टिक वाले इस फोल्डर को क्लिक कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ से आप यूज़ करेंगे प्लास्टिक रैप और यहाँ इसकी वैल्यूज़ को आप फुल कर दीजिए। हाईलाइट स्ट्रेंथ को आप 20 कर दीजिए, डिटेल को आप 15 कर दीजिए, स्मूथनेस को आप 15 रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूज़ करेंगे लुमिनेसिटी। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में और इस बार हम जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हम इसके रेडियस को 2 pixels देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको अनहाइड करने के बाद इसकी ब्लैंक स्पेस पे हम डबल क्लिक करेंगे और फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले यूज़ करेंगे बेवल एंड इम्बोस। इसकी कुछ वैल्यूज़ जो कि हमें चेंज करनी है, कुछ पहले से हमने दी थी। स्टाइल आपका इनर बेवल ही होना चाहिए। टेक्निक में आप स्मूथ ही रखिएगा। डेप्थ को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 80% रखेंगे। डायरेक्शन आप अप रखिएगा। साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 10 pixels कर देंगे। सॉफ्टन को मैं यहाँ पर 3 रखूँगा, 3 pixels। यूज़ ग्लोबल लाइट को हम अनचेक्ड रखेंगे और एंगल को हम -25 से चेंज करेंगे, 120 degrees रखेंगे।
एल्टीट्यूड को भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 25 डिग्री रखेंगे। ग्लास कॉन्टूवर के आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे की तरफ, राउंडेड स्टेप के नाम से ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। हाईलाइट मोड में आप लीनियर लाइट रखिएगा और इसके कलर पिकर पर क्लिक करने के बाद आप ये वाला कलर सेलेक्ट कीजिए, D7C8B4, और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ 75% कर देंगे। शेडो मोड की आप ओपेसिटी को 0 रखिएगा। लास्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी भी कुछ वैल्यूज हम इनको देखते हैं। यहाँ इसके ब्लेंडिंग मोड को आप कलर बंद रखिएगा, ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, 20% कर देंगे। नॉइज़ आप 0 रखिएगा। कलर पिकर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ब्लैक चूज़ करने के बाद ओके कर दीजिए। टेक्निक्स में आप प्रीसेट्स रखिएगा, सोर्स में आप एज रखिएगा, चोक को हम यहाँ 0 रखेंगे, साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ 11 से हम इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ 20 पिक्सल्स कर देंगे। कॉन्टूवर पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा जो कि टॉप पे है, ये देखिए, और यहाँ इसकी रेंज को हम 25 से इंक्रीज़ करेंगे, 50% कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से कॉन्टूवर को सेलेक्ट कीजिए। कॉन्टूवर को सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आएंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा सॉ टूथ के नाम से एक, ये देखिए सॉ टूथ 2, ये हमें सेलेक्ट करना है। सॉ टूथ 2 सेलेक्ट कीजिए और यहाँ साइड पर क्लिक करने के बाद इसकी रेंज को भी कम करेंगे हम, 50% कर देंगे। ये तीनों अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। मैं आपको साथ साथ इसका फ़र्क भी दिखाता जाऊँगा, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम इससे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से अनहाइड करेंगे। इस लेयर के थ्रू हम इसमें थोड़ी बबल्स ऐड करेंगे। आप इस ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक कीजिए और फिर से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले आप बेवलिन इम्बोस को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। स्टाइल आपका इनर बेवल और टेक्निक आपकी स्मूथ ही होनी चाहिए। डेप्थ को हम यहाँ पे 100% कर देंगे। डायरेक्शन आपकी अप होनी चाहिए। साइज़ को हम यहाँ पे 40 पिक्सल्स रखेंगे। सॉफ्टन को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, यानी 1 से हम 2 चेंज कर देंगे। यहाँ पे यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक्ड रखिएगा। इसके एंगल को हम 120 डिग्री देंगे। एल्टीट्यूड के एंगल को हम यहाँ पे 60 डिग्री ही रखेंगे। ग्लास कॉन्टूअर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कॉन इन्वर्टेड, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाईलाइट मोड के ब्लेंडिंग मोड को हम लीनियर लाइट रखेंगे और इसके कलर पर क्लिक करेंगे। ये सेम वही कलर जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, अब इसको रहने दीजिएगा और ओके कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ। शेडो मोड के ब्लेंडिंग मोड को हम मल्टीप्लाई रखेंगे और यहाँ इस कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद आप ये वाली वैल्यू दीजिएगा 95C333 और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ पे 60% कर देता हूँ। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूअर। कॉन्टूअर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेम वही सिलेक्ट करेंगे जो हमने बेवल एंड इम्बॉस में सिलेक्ट किया था, कॉन इन्वर्टेड, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसकी रेंज को हम यहाँ पे 100% ही रखेंगे। कॉन्टूअर की वैल्यूज देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे टेक्सचर। टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पैटर्न वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप यूज़ कर लीजिएगा ग्रे ग्रेनाइट। मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं दूसरे यूज़ करने के बाद तो आप वो भी देख सकते हैं। ग्रे ग्रेनाइट अगर आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आपको लेगेसी पैटर्न्स के फोल्डर में दिख रहा होगा। अगर आपके लेगेसी पैटर्न्स का फोल्डर ही ना दिख रहा हो तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रीस्टोर डिफॉल्ट पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे पैटर्न्स दिखने लगेंगे। इसको ग्रे नाइट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके स्केल को हम 700% के आसपास रखेंगे और डेप्थ को हम +70 के आसपास रखेंगे। आप देख सकते हैं, साथ साथ आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आप लास्ट में सिलेक्ट करेंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो की सेम वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमने लास्ट इस वाली लेयर पर अप्लाई की थी। आप जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको सेम वैल्यूज़ वही दिखने लगेंगी जो कि लास्ट टाइम हमने इस पर अप्लाई की थी। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हमारी टॉप वाली लेयर बाकी बचती है, हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस में और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। फिर से यहाँ से बेवल एंड इम्बोज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हम इनको देखेंगे। स्टाइल में आपका इनर बेवल और टेक्निक आपकी स्मूथ ही होनी चाहिए। डेप्थ को हम यहाँ पे 140 ही रखेंगे जो कि लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था। डायरेक्शन भी आपकी अप होनी चाहिए। साइज़ को हम यहाँ चेंज करेंगे, 15 पिक्सल्स कर देंगे। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 2 पिक्सल्स रखेंगे।
यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक्ड रखिएगा। यहाँ पे इसका एंगल हम 120 डिग्री ही रखेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमारी लास्ट टाइम थी, दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे चेंज की हैं। एल्टीट्यूड को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे 40 डिग्री करेंगे। ग्लास कॉन्टूअर पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस बार हम यूज़ करेंगे रिंग। आप देख सकते हैं ये पीक से नीचे रिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसका हाईलाइट मोड हम स्क्रीन रखेंगे। स्क्रीन मोड रखने के बाद आप इस कलर पिकर पे क्लिक कीजिए। इस बार हम वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे F9 FD B8 ये वाली वैल्यू दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। शेडो मोड में हम इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो रखेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कोई भी कलर हो, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी ज़ीरो कर दी है। इसके बाद हम कॉन्टूअर पर क्लिक करेंगे। यहाँ कॉन्टूअर पर क्लिक करने के बाद इसके ड्रॉप डाउन पर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉन इन्वर्टेड। आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए कॉन इन्वर्टेड सेलेक्ट कीजिए। इसकी रेंज को हम 50% रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इन तमाम स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद हमारा जो स्लाइम इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ, इस तरह से। ये स्टेप्स अप्लाई करने के बाद आप भी किसी भी टेक्स्ट पर ये स्लाइम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।